हाय गाइस, आपके अपने डिजिटल रिकॉर्ड से एक बार प्रेजेंटेशन। आज बनाएंगे हम तवा पिज्जा, वो भी बड़े साइज का, जिसे कम से कम 6 से 7 लोग बड़ी आसानी से खा सकते हैं। अब करते हैं हम सिमसिम खुल जा दरवाजा और इसे खोल देते हैं। ये देखिएगा, है ना कितना बड़ा पिज्जा। अब ये पिज्जा सिर्फ देखने से बड़ा नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी खासियतें भी है। यानी कि ये पिज्जा ऊपर से बहुत ही जूसी है और नीचे से बहुत ही क्रंची। नीचे से क्रंची का मतलब ये जला नहीं है। मैं इसे आपको उठाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, यकीन मानिए ये नीचे से बहुत ही क्रंची है और ऊपर से बहुत ही जूसी। इसे मैं और भी ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि नीचे से काफी क्रंची बना है। यकीन मानिए उतना ही क्रंची बना भी है जितना आपको लग रहा है। आपको ऊंचा करके दिखाने के चक्कर में जो इसका जूस है वो एक साइड पे गया। अब आपको पता लग ही गया होगा कि ये कितना जूसी है। चलिए तो इसे हम एक सा कर लेते हैं, यानी कि जो इसका जूस उस साइड चला गया उसको चाकू की सहायता से इस तरफ कर लेते हैं। आसानी से हो जाएगा क्योंकि इतना जूसी बना हुआ है, तो जूस को आप जिधर चाहें उधर फैलाइएगा। बहुत ही टेस्टी तवा पिज्जा है, काफी स्पाइसी है, क्रंची है और खास बात क्रीमी है। और आप एक बार इस पिज्जा को बनाएंगे तो बस मार्केट के सारे पिज्जा भूल जाएंगे, इतना टेस्टी है। अगर मेरा ये टेस्ट से भरा हुआ जूसी और क्रंची पिज्जा आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। फिलहाल मार्केट से भी स्वादिष्ट इस पिज्जा को बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम डोसे और लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई खाना बनाने वाली। और अब इसमें डाल देंगे 200 ग्राम जितनी मैदा और इसी के साथ आधा टेबल स्पून जितना नमक, ईस्ट लगभग 3/4 टेबल स्पून जितनी, इसको स्पाइसी करने के लिए चिली फ्लेक्स लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जितना डाला होगा। और फिर से इसे हम मिला लेंगे। रिफाइंड सोयाबीन अच्छी तरीके से मिला लिया है। और अब डालेंगे इसमें हम गुनगुना पानी और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जितना इसका आप सॉफ्ट डो बनाएंगे उतना ही अच्छी तरीके से फूलेगा। तो आप इसका डो बिल्कुल भी हार्ड ना बनाएं, तो बस थोड़ा सा पानी ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं। पिज्जा का डो तो लगभग हमारा गुद चुका है, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, अभी इसमें काफी दरारें हैं, इसीलिए इसे हम रख देंगे तो काफी हद तक ये फूल जाएगा और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहेंगे। फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट कर दे रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देंगे। मैं यहाँ पर ऊपर पानी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसकी जो चमड़ी है उस पर बिल्कुल भी पपड़ी ना बने। डो गुद कर रेडी है, तो इसके ऊपर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लगा लेंगे। और अब इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से ढक देंगे, कहीं से भी इसमें हवा पास नहीं होनी चाहिए। और अब इसे एक हम गर्म जगह पर रख देंगे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए। लगभग 6 घंटे हो चुका है, डो भी हमारा अच्छी तरीके से फूल चुका है, देखिएगा दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा हम पिचका लेंगे और अब इसे हम हाथों की सहायता से एक सा कर लेंगे। और अब इसे हम हाथों की सहायता से इस तरीके से राउंड शेप देंगे। क्योंकि मैं बड़ा पिज्जा बनाने जा रहा हूँ तो पूरे के पूरे डो की ही एक हम बड़ी सी लोई बना लेंगे इस तरीके से। बस हाथों से हमें इस तरीके से करना है, जिससे क्या इसके अंदर की दरारें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। लोई को हमने एक सा कर लिया है, तो चलते हम डायरेक्ट तवे की तरफ। और अब इस तवा पर डाल देंगे हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा। इसे आप लकड़ी के स्पून से फैला सकते हैं, पर मैं इसे कपड़े से फैलाऊंगा क्योंकि इससे फैलाने में काफी दिक्कत होगी। तो बस मैं यहाँ पर ले लूंगा कपड़ा और इससे इस तरीके से पूरे के पूरे तवे पर तेल को फैला लूंगा। इससे क्या है, जो हमारा पिज्जा है वो नीचे चिपकेगा नहीं और काफी क्रंची बनेगा। तो जरूर आप ऑयल लगा लें। और अब इसके ऊपर पटक देंगे हम अपनी लोई और अब इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से हम फैला लेंगे। बस यहाँ पर हमें बेलन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ हम हाथों से इस तरीके से फैलाएंगे। इजी तरीके से फैल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस इस तरीके से हमें राउंड शेप देते जाना है, बहुत ही जल्दी फैल जाएगा। क्योंकि मैं बड़ा बना रहा हूँ तो मैंने बेल कर नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं इसे बेल लेता तो उसके बाद जब इसे तवे पर डालता तो वो काफी श्रिंक हो जाता, यानी कि सिकुड़ जाता। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको तवे पर रख दिया और इस तरीके से हाथों की सहायता से फैला लिया। अब हमने अच्छी तरीके से इसे फैला लिया है, तो अब इसे हम ढक के रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही, जब तक पिज्जा की रोटी यानी कि इसका बेस सेट हो रहा है। तब तक इसके ऊपर जो टॉपिंग लगाएंगे उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हरा धनिया लेंगे और इसको इस तरीके से हम बारीक बारीक काट लेंगे। हरा धनिया कट के रेडी है, तो फिर से ले लेते हैं हम चॉपिंग बोर्ड। और अब लेंगे 2 प्याज और इसको भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, यानी कि छोटा छोटा। तो बस इस तरीके से हमें प्याज को काटना है। बारीक बारीक प्याज कट के रेडी है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब फिर से ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड और लेंगे एक टमाटर लाल लाल और इसको भी उसी तरीके से काटेंगे जिस तरीके से मैंने प्याज काटा था, यानी कि बिल्कुल बारीक बारीक। टमाटर भी कट के रेडी हो चुका है, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सब्जी हमारी कट चुकी है, तो लेंगे एक बड़ी सी कटोरी और इसको जूसी बनाने के लिए डालेंगे इसमें मेयोनीज लगभग 1.5 कप जितनी। मेयोनीज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा जूसी बनेगा, कम रखेंगे तो थोड़ा सा कम जूसी बनेगा। मर्जी आपकी है, आप जितना जूसी खाना चाहें या जितना अनहेल्दी खाना चाहें। खैर मेयोनीज डाल दिए, तो इसको स्पाइसी करने के लिए डालेंगे रेड चिली सॉस लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून जितनी। इसी के साथ मिक्स हर्ब्स लगभग 1 टेबल स्पून जितनी। और अब इन तीनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
बैटर अच्छी तरीके से मिल चुका है, तो इसमें डालेंगे सब्जियां जो मैंने काटी थी, यानी कि सबसे पहले डालेंगे इसमें हम प्याज, मर्जी आपकी है, आप कोई भी चीज पहले डालिएगा। इसी के साथ टमाटर, और अब डालेंगे हरा धनिया। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। धनिया, प्याज, टमाटर, मेयोनीज सब अच्छी तरीके से मिल चुका है, तो इसे रख देंगे एक साइड। तो इसे हम काफी टेस्टी बनाएंगे। तो लेंगे यहाँ पर हम मशरूम, हम इस तरीके से काटेंगे इसे लंबा लंबा, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो साइज देना चाहें वो साइज दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मशरूम डालने से मशरूम आसानी से पक जाएगी और जो हमारा पिज्जा है वो भी अच्छी तरीके से सज जाएगा। तो इसीलिए मैं इस तरीके से काट रहा हूँ। और जो हमारे मशरूम के छोटे छोटे से टुकड़े बचे हुए हैं, इनके मैं दो हिस्से कर दूंगा इस तरीके से, क्योंकि ये छोटे हैं तो आसानी से पक जाएंगे। लीजिए, मशरूम हमारा कट के रेडी है। तो देख लेते हैं जो हमारा पिज्जा बेस है उसका क्या हाल है। तो अब हम पिज्जा बेस को खोल लेते हैं, और अब जो मैंने टॉपिंग बनाई थी वो इसके ऊपर रख देते हैं। बस इस तरीके से रखना है, ये टॉपिंग काफी टेस्टी लगेगी और काफी इसको जूसी बनाएगी, बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा लगेगा। बस थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, तो इसे थोड़ा थोड़ा खाएं, इसीलिए मैंने इसे बड़ा बनाया, और काफी लोगों में ये बटने वाला है, तो मुझे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इसके हैवीपन की। काफी टेस्टी बना था भाई, मजा आ गया था, पहली बार मैंने इतना बड़ा पिज्जा बनाया था, वो भी इस तवे पर। ये जो लोहे का तवा है, इसकी खास बात यह है कि ये लगभग लगभग 12 से 13 किलोग्राम का है। अब इस पर हमने टॉपिंग अच्छी तरीके से फैला ली है, तो अब लगाएंगे मशरूम जो कि मैंने काट के रखे थे। बस इस तरीके से एक एक करके लगाएंगे। मशरूम मैंने 200 ग्राम लिए हैं, मुझे लगता है ये पूरे नहीं डलेंगे, इसमें काफी मशरूम बच जाएंगे, तो लगभग आप 150 ग्राम जितने ही मशरूम लें काफी हैं। और जो मेरे छोटे वाले मशरूम थे, यानी कि जिनके मैंने दो टुकड़े कर लिए थे, उनको भी इस तरीके से इस पर रख देंगे। अब मैंने सारे के सारे मशरूम इसके ऊपर लगा लिए हैं, मतलब 50 ग्राम जितने मशरूम बचे हैं। खैर कोई बात नहीं, उसकी मैं सब्जी बना लूंगा। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज्यादा डालें तो ये काफी स्पाइसी बनेगा और काफी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसी के साथ अब इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला की भी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज्यादा रखें, तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना डालूंगा। चाट मसाला डाल लिया है, तो अब डालेंगे इस पर हम मोजरेला चीज। इसके बगैर तो पिज्जा भाई बिल्कुल अधूरा है। बस यहाँ पर ध्यान रखें, कद्दूकस से बड़े छेद वाले कद्दूकस से ही करें, बारीक वाले से बिल्कुल ना करें। बड़े वाले कद्दूकस से ही काफी अच्छी तरीके से कद्दूकस होता है, और जो हमारा चीज है वो भी एकदम से मेल्ट नहीं होता, काफी टेस्टी लगता है। तो आप बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस से बिल्कुल भी ना करें। अब हमने मोजरेला चीज भी कद्दूकस कर ली है, तो इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से फैला लेंगे, ताकि जो हमारी चीज है वो चारों तरफ बराबर रहे। अब चीज अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दी है, तो इसके ऊपर डाल देंगे फिर से हम चिली फ्लेक्स। इसे आप ऊपर से जरूर छिड़क दें, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, और कोई वजह नहीं। और अब करेंगे गैस की फ्लेम ऑन, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लगभग 45 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि तवा हमारा मोटा है, यानी कि डोसा वाला है, तो ये तवा चारों तरफ से बराबर गर्म होगा। अगर आप पतला तवा लें तो इसे बीच में आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो इसे हम ढक देते हैं, और इसके ऊपर रख देंगे एक भारी भरकम वजन। मैं इससे अपनी बॉडी सोडी बनाता हूँ फिलहाल, ये इसके काम भी आ रहा है। इसके ऊपर वजन रखने से जो इसके किनारे से हीट निकलती है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, और जो हमारा पिज्जा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और इसके ऊपर की जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप पैन पिज्जा बनाएं, तो इसको जिस तरीके से बिरयानी ढककर पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही पकाएं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पिज्जा बनेगा। लगभग 45 मिनट हो चुका है, तो इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो हटाते हैं सबसे पहले इसके ऊपर का हम वजन, और अब हटाते हैं हम ये तसला। ये काफी गर्म हो चुका है, तो बड़ी सावधानी से हटाएं। लीजिए भाई, बनके तैयार है हमारा स्वाद से भरा हुआ जूसी और क्रंची पिज्जा। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये पिज्जा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और जब भी इसे ट्राई करें तो अपना फीडबैक हमें जरूर दें।